इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बहुत ही इजी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आगे बहुत सारे डेरिवेशंस होंगे, जैसे गॉस लॉ होंगे और बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी आएगा, साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी कॉन्सेप्ट आता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे समझेंगे। तो मेरा नाम है मनोज पांडे और आप अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट पासेस नॉर्मली थ्रू द सर्फेस। इसका मतलब सिंपल सा हुआ, अगर हमारे पास कोई एक सर्फेस है, सपोज करो कि ये एक सर्फेस है, इसके नॉर्मली, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो अगर इस साइड से या इस साइड से, ठीक है बच्चों, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेंगी नॉर्मल यानी 90 डिग्री पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यानी ये काउंटिंग है कि किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन है, क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दैट नॉर्मली पास थ्रू दैट सरफेस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई। ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से मतलब, फाई का मतलब फ्लक्स है, क्योंकि आगे हमको मैग्नेटिक फ्लक्स भी रहेगा, तो वहाँ पर हम लोग फाई पी लिखेंगे अगले चैप्टर्स में, ठीक है। अब देखिए, तो अब आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होता है बच्चों, अगर कोई भी हमारे पास एक सरफेस है तो उस सरफेस से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, लेकिन वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर और किसी एंगल पर है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट नहीं होगा। यानी आपको याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर पास करनी चाहिए। देखिए जैसे एक मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें, जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 3 है। सेकेंड डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है बच्चों कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ एंगल्स पे क्रॉस करें, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि सभी 90 डिग्री पे क्रॉस करें। तो दूसरा केस हम लोग ले सकते हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में ऐसे लिया, तो ये कुछ एंगल्स पर है। तो अभी हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि एरिया वेक्टर क्या होता है, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, एरिया जो पर एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है। सपोज करो यहाँ पर हमने मान लिया थीटा बना रहा है, तो आपको पता है फिजिक्स में इतना कि अगर कोई भी क्वांटिटी कुछ एंगल पे होता है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कॉस कंपोनेंट बनता है, एक साइन कंपोनेंट बनता है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाता है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, और दोनों कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कॉस थीटा और साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा ई का, वो 90 डिग्री पर होगा। सपोज करो कि ये वाला एंगल हमने थीटा माना है, तो थीटा के साइड वाले को हमेशा हम लोग कॉस थीटा लेते हैं और इसके अपोजिट वाले को साइन थीटा लेते हैं। अब आप अगर ध्यान से डायग्राम में देखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट नॉर्मली पासेस थ्रू द सरफेस, यानी इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस करनी चाहिए। तो देखो परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस कौन कर रहा है, कॉस कंपोनेंट वाला यानी ई कॉस थीटा वाला, और ई साइन थीटा वाला ये तो फ्लैट है भाई, आपका ये सरफेस है तो ये सरफेस के ऐसे है तो परपेंडिकुलर तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हमको समझ में आया कि साइन थीटा के वजह से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनेगा, और कॉस कंपोनेंट ऐसे है तो कॉस कंपोनेंट के वजह से ही सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा। समझ में आया, दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ एंगल्स पे पास कर रही हैं तो हम लोग उसके दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक कॉस कंपोनेंट एक साइन कंपोनेंट। तो कॉस कंपोनेंट हमेशा हम लोग थीटा के एंगल वाले को लेते हैं, तो थीटा हमेशा हम लोग किसको मानेंगे, समझ लीजिए कि ये एरिया वेक्टर भी है, एन कैप आप इसको लिख लीजिए, समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है, तो एरिया वेक्टर के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको दो कंपोनेंट हुए, एक कॉस एक साइन। तो साइन को नहीं लेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के, और कॉस कंपोनेंट को लेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे और बात करें तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। इस बात को मैं लिख भी दिया हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं, सबसे पहला एरिया। अब देखिए, आप जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस लोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी भाई, कम सर्फेस रहेगा तो कम क्रॉस करेंगी, और अगर इस सर्फेस को बढ़ाते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, ठीक है।
तो ये जो आप लोगे क्वांटिटी, जो सरफेस लोगे उसका एरिया कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई ये जो सरफेस आप जो भी ऑब्जेक्ट रखे हो, ये जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में रखा हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई एरिया वेक्टर जो है और जो जिस एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, यानी ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी आप समझ गए हैं कि ई कॉस थीटा के वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, तो यहाँ पर थीटा इंक्लूड है, दैट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो बच्चों आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द सरफेस, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो और सभी बातों को देखिए मैं लिख दिया हूँ, जो भी मैं समझाया हूँ वो सब बात को ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ। क्या मैं लिखा हूँ, वी विल कंसीडर ओनली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू सरफेस, सो वी विल टेक ओनली कॉस कंपोनेंट। तो ये मैं अभी आपको समझाया था कि हम लोग कॉस कंपोनेंट को लेंगे, साइन कंपोनेंट को नहीं लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग अब फार्मूला डिराइव करना चाहें या बोलना चाहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर थीटा जो एंगल है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच है, तो इस तरीके से अगर हम लोग एक छोटे से एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें, फॉर अ स्मॉल एरिया, तो हम लोग लिख सकते हैं डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अब ये फार्मूला कैसे आया, देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता था, किसके किसके ऊपर, एरिया ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड कॉस, भाई एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो तीन फैक्टर्स हैं ना। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर बढ़े कि एरिया वेक्टर ए के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, एंगल के ऊपर जो एरिया वेक्टर, इसीलिए ये फार्मूला ऐसे बना कि इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी फाई ई, और ये डी फाई लिखने का मतलब है कि हम लोग एक छोटे से एरिया का भी बात करेंगे, अगर एरिया बहुत स्मॉल है तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें तो ई डी ए कॉस थीटा होगा। इसलिए अगर हम लोग टोटल सरफेस के वजह से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहें तो आप बोथ साइड का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब देखिए अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन का सिंबल हट जाएगा, फाइव बन जाएगा, जिसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, ये टोटल सर्फेस एस को रिप्रेजेंट करता है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए होता है, या अगर हम लोग थीटा एंगल हमको दिया हुआ है तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अगर एंगल थीटा का वैल्यू हमको गिवन रहेगा न्यूमेरिकल्स में तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला सॉरी, और अगर नहीं गिवन होगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि ये फार्मूला यूज़ होगा सिंपली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्मली पास करिए सर्फेस से। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है। अब चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी ये समझ लेते हैं, और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा और इसका यूनिट क्या होगा। तो बच्चा पार्टी हम आपको सिंपली बता दें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है आप देख रहे हो। और इसका अगर हम लोग यूनिट का बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब होता है। और अगर हम लोग डायमेंशन फार्मूला इसका लिखना चाहें तो आप डायमेंशन फार्मूला भी लर्न कर सकते हो, एम एल क्यूब टी की पावर माइनस थ्री एंड ए की पावर माइनस वन। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला निकालना आप क्लास इलेवेंथ में ऑलरेडी सीख चुके हो, तो मैं डायरेक्ट करके यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हो। अगर ये सारे नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग पर भी विजिट कर सकते हो, ब्लॉग का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर के ये सारे नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ गॉस थ्योरम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।